जैसा कि मैं पिछला क्लास में बताया था कि हमें अब क्या देखना है, चार्ज मेजरिंग डिवाइस के विषय में जानना है। मैंने आपको बताया था पिछले क्लासों में कि इलेक्ट्रोस्टैट जो है क्या है, जैसा कि आप फिर सुन रहे एक बार, ये पहला यूनिट है 12th क्लास का, इसमें दो चैप्टर है। एनसीईआरटी को अगर ध्यान रखें दो चैप्टर है, एससी वर्मा को ध्यान रखें तीन चैप्टर है, पहला चैप्टर और तीसरा चैप्टर बड़ा है, बीच वाला चैप्टर काफी छोटा है एससी वर्मा के हिसाब से रखें तो। पहला चैप्टर बड़ा है, बीच वाला चैप्टर छोटा है, फिर दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर आपको बड़ा है। तो हमने, और ये कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इस यूनिट से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोस्टैट से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो मैं इस आधार पर आपका ये वीडियो तैयार कर रहा हूं, क्योंकि आज देख रहे हैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, ट्रेंड बदल गया है, बिहार बोर्ड, सभी जगह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का काफी भरमार रहा है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब तक किसी भी टॉपिक के विषय में, चैप्टर में क्या हो गया, टॉपिक हो गया, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जब आपको नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब आपके पास नहीं है, यानी कि थ्रू आउट स्टडी मैं पूरा भरपूर प्रयास किया हूं वीडियो बनाते समय कि एक एक छोटे से छोटे चीज को हम कवर करते हुए चले। मेरा कहना है आपका उद्देश्य चाहे जो भी रहा, चाहे जो भी रहे, प्लस टू करना है, इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, उन सारी चीजों को मैं ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया है, और आगे जितने भी क्लास हैं सब उसी तरह से मैं आपको, आपके तक पहुंचाता रहूंगा। हर छोटा से छोटा चीज का भी मैं चर्चा करूंगा, हर बड़ा से बड़ा चीज का मैं चर्चा करूंगा, हर छोटा से लेकर बड़ा चीज का मैं चर्चा करूंगा, किसी चीज को छोड़ूंगा नहीं, यानी कि थ्रू आउट स्टडी आपके सामने रहेगा। जहां भी आपको डाउट्स हो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप वीडियो को देखिए, कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमें यहाँ पर ये चीज की कमी लग रही है, मैं उसको तत्काल दूर करने का प्रयास करूंगा, डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, किया हूँ कि हम बस सामने ही मान करके बच्चा को रखे हुए हैं कि हमारे सामने बच्चा है और हम उसको पढ़ा रहे हैं। जितने प्रश्न आपके मन में संभावित उठ सकते हैं उन सभी का समाधान मैं वीडियो में देने का प्रयास किया। जैसे चार्ज जैसा छोटा चीज, उसको यूं ही हम क्या कर सकते थे, डिफाइन कर सकते थे, लेकिन चार्ज का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मैंने दिया, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया। शायद जितने भी छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे चार्ज पर जितने भी आएंगे, शायद उसका समाधान आपके पास उस वीडियो में दिया हुआ है। इसलिए माइंड को कंसंट्रेट करके मैं यूं कहूं कि आप नेकबैंड लगा लें या फिर ईयरफोन लगा के सुने, उस केस में कंसंट्रेशन आपके पास ज्यादा होगा और उस केस में वो आपको बेहतर तरीका से कन्विंस कर पाएगा वीडियो, क्योंकि बगल का माइक उसमें कम जाएगा। तो आप ध्यान रखें। अगला चीज, एक छोटा सा चीज है, एक छोटा सा टॉपिक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जो आपके सिलेबस में, इससे दो क्वेश्चन आता है, बार बार कह रहा हूं, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है, लेकिन दो क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, मैं उस सारे क्वेश्चन का चर्चा करूंगा।
ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन बना के रखिएगा, आपको लगेगा कि मैं कोई चीज छोड़ा नहीं, आपको लगेगा वीडियो काफी कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब समझाने के सारे तरीके जो हैं, समझाने के सारे तरीके मतलब हर छोटे छोटे चीज को इसमें क्या किया गया है, डाला गया है, ताकि कोई गैप नहीं हो, ताकि आपको लगे कि इसके बाद ये कैसे हो गया। तो हम अभी आज का जो वीडियो है वो इस बात के लिए है कि चार्ज मेजर कैसे करें, और गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आपके सिलेबस में, सब क्वाड्रेंट इलेक्ट्रोमीटर भी है लेकिन गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आपके सिलेबस में। तो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो हम लोग चर्चा में, पहले हम लोग देखें ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो आपका क्या है, कैसे तैयार होता है। एक सिंपल डिवाइस है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। आप क्या करो कि एक फ्लास्क ले, ले लिया, इसमें कॉर्क लगा ताकि बाहर का हवा अंदर नहीं आया, अंदर का हवा बाहर। अब इसमें कॉपर के वायर को इंसर्ट कर, और इस कॉपर के वायर को आप क्या करो, राउंड करो। इसलिए राउंड करो ताकि शार्प पॉइंट जो है, नुकीला पॉइंट जो है न रहे। अगर इसको नहीं छोड़ देते, जब भी चार्ज आता है ये शार्प पॉइंट, नुकीला पॉइंट, चार्ज डेंसिटी यहाँ ज्यादा होता है, लीकेज ऑफ चार्ज होता है, इसलिए इसको राउंड कर दिया। ठीक, ये कॉपर वायर है और ये उसी का एक हम लोग घुमा करके रिंग बना दिए हैं। अब देखिए ध्यान से, इसमें जो है कुछ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कुछ लंप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हम डाल दें। लंप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्यों डाल दें, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, ये मॉइस्चर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि मॉइस्चर जो है जैविक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो हम लोग इसको कुछ है चूना जो आपका है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको डाल दिए, अंदर के मॉइस्चर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब हम क्या करते हैं कि गोल्ड लीफ के लिए, भाई गोल्ड लीफ क्यों, गोल्ड तो काफी महंगा है, हम एल्यूमिनियम के लीफ क्यों नहीं लिए, आयरन के लीफ क्यों नहीं, हाँ बताएंगे, मैं बताऊंगा इफिशियंसी के चलते कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी डिवाइस सेंसिटिव है, इफेक्टिव है, तभी कहा जाएगा जब वो छोटे से छोटे परिवर्तन को भी मेजर कर दे, जब वो छोटे से छोटे परिवर्तन को मेजर कर दे, जब छोटे से छोटे अमाउंट ऑफ चार्ज को मेजर करे, तो कहेंगे कि सेंसिटिव है। तो हम मान लिया जाए थोड़ा देर के लिए ये एक गोल्ड लीफ है, एक सोने का पत्थर, एक्सट्रीमली थिन सीट तैयार किया हुआ। इसको हमने ऐसे क्या किया, इसको ये ले लिया, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, डबल फोल्ड कर दिया, और डबल फोल्ड कर दिया, ये देखिए लीफ बन गया, ये दो लीफ हो गया पत्ती, ये गोल्ड लीफ हो गया। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर जैसे मान लीजिए इसको निकाल लें और कटा दें, इसको निकाल लें और यहां पर इसको सोल्डिंग कर दें। ठीक, जैसे ये है वायर, यहां पर बीच में इसको सोल्डिंग कर दें। हमने क्या किया, गोल्ड लीफ को यहां लगा दिया। तो इनिशियली गोल्ड लीफ क्या करेगा, रिलैक्स वे में रहेगा, गोल्ड लीफ रिलैक्स वे सिंपली ऐसे रहेगा। जैसे ही देखेंगे कि दोनों पर चार्ज सिंगल काइंड का आएगा तो ये क्या करेगा, डाइवर्स करेगा, फैल जाएगा। आते हैं, जैसा कि मैंने बताया आप समझ गए होंगे कि कैसे बनाए, हमने एक कॉपर वायर लिया, उसमें गोल्ड लीफ को सोल्डिंग कर दिया और एक उसको टर्मिनेट कर रहे हैं लिंक के रूप में, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉर्क डालते हैं, बाहर की हवा अंदर नहीं आए, इसलिए कि मॉइस्चर कंट्रोल हो, और फिर हम इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का कुछ लंप डाल देते हैं, कुछ टुकड़ा डाल देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट हाइग्रोस्कोपिक, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, हाइग्रोस्कोपिक,
यानी कि अंदर के मॉइस्चर को नमी को सोख लेगा, ड्राई कर देगा अंदर के एयर को। नतीजा होगा कि हमारे एक्सपेरिमेंट को क्या होगा, धार मिलेगा, एक्सपेरिमेंट हमारा अच्छा से होगा, एक्सपेरिमेंट हमारा एक्यूरेट होगा। ठीक, आपने सेटअप को देखिए कि क्या भाई एक कॉपर वायर है, इसको रिंग के रूप में टर्मिनेट करिए, पॉइंट के रूप में नहीं, क्योंकि पॉइंट के रूप में होगा चार्ज जहां इंड्यूस्ड होगा और एक पॉइंट पर चार्ज इंड्यूस्ड होगा, लीकेज ऑफ चार्ज होगा क्योंकि डेंसिटी उसके हाई होगी। तो उस केस को अवॉइड करने के लिए हमने रिंग के रूप में और यहां लिख दिया। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें यहां इस डिवाइस से दो चीज जानना है कि जो बॉडी हम ला रहे हैं टेस्ट कराने के लिए कि इस पर किस प्रकार का चार्ज है और कितना मात्रा में चार्ज है। दो चीज, नेचर ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दो चीज का मेजरमेंट यहां करना है। आते हैं, देखें हम लोग क्या करते हैं कि एक चार्ज बॉडी को लाते हैं, एक चार्ज बॉडी को लाते हैं, तो हमने मान लिया कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लाया पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को। तो जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हम लाएंगे, अभी टच नहीं कराएंगे, लाएंगे, क्या होगा, जैसे ही इसको लाएंगे तो हर, मैंने बताया था ना कि बल्ब से रे निकलता है, वही रे क्या करता है, फील्ड ऑफ विजन को डेवलप करता है, वही रे फील्ड ऑफ विजन को डेवलप, और जो कि वस्तु को दिखाता है, उसी प्रकार से चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है, और वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करता है। तो जैसे ही ये बॉडी आएगा, ये बॉडी इसके नजदीक आएगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते ये कॉपर का है, गुड कंडक्टर का है। तो जानते हैं, बताया था ना कि कंडक्टर है, इसको कहते हैं जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो, जो आसानी से लैटिस में मूव कर सके। फ्री इलेक्ट्रॉन डजंट मीन एन एक्सेस इलेक्ट्रॉन, बट इट मीन्स लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा भी जानते हैं कि कंडक्टर का इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, टर्म्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब देखिए ध्यान से, जैसे ही नजदीक लाएंगे, इस रिंग का वो फेस, इस रिंग का वो पोर्शन, इस रिंग का वो पोर्शन जो ठीक इसके सामने है, ये पॉजिटिव है, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ठीक इसके सामने वाला पोर्शन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन सब खींचा करके, और यहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का माने भीड़ इकट्ठा होगा। तो जहां से जिस एटम से इलेक्ट्रॉन आएगा, स्वाभाविक है तो वहां उस एटम के पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसके दूर वाला हिस्सा पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आपका आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों लिंक पर भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जैसे कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आ रहा है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, तो क्या देखें कि जैसे ही लाए लीफ क्या करेगा, सिमिलर चार्ज है, लीफ विल डाइवर्स, लीफ क्या करेगा, डाइवर्स करेगा, लीफ जो है डाइवर्स करेगा। ठीक, फिर उस चीज को रिपीट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस पॉजिटिव को हटा के नेगेटिव लाएं, अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाएंगे तो ये क्या करेगा, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहां से धकेलेगा, इधर से धकेलेगा, नतीजा क्या होगा, नतीजा क्या होगा, यहां पर प्लस चार्ज होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन भागेगा, तो भागेगा तो जाएगा कहां, दूसरे छोर पर जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, तो फिर ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो फिर क्या देख रहे हैं, लीफ के पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो दोनों लीफ पर अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा फिर डाइवर्स करेगा। तो हमने क्या देखा, इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से क्या पाया कि व्हाट एवर द नेचर ऑफ चार्ज on a body when it is brought near a gold leaf electroscope, whatever be the nature of charge possessed by a charged body, when it is brought near a gold leaf electroscope,
लिफ्ट ऑलवेज डाइवर्ज, ऑलवेज डाइवर्ज, ऑलवेज डाइवर्ज। बात समझ में आ गई? चाहे आने वाला बॉडी पर चार्ज प्लस हो या माइनस हो, लिफ्ट हमेशा क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सी चीज है। तो हमने क्या लिखा, मैग्नेटिज्म क्या हुआ कि जैसे प्लस लाएंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जैसे ये माइनस लाएंगे, अगर माइनस लाएंगे तो इस केस में क्या होगा, इसके इस कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा। तो जिस जिस एटम से इलेक्ट्रॉन धकलाएगा इसके पास वाला पोर्शन पर पॉजिटिव चार्ज और दूर वाला पोर्शन पर निगेटिव, और ये निगेटिव चार्ज लिफ्ट तक आ जाएगा। दोनों पर सिमिलर चार्ज होने के चलते लिफ्ट क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ठीक, पॉजिटिव ले आए इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर के आएगा, यहाँ पर जमा हो जाएगा, और दूर वाले जो पोर्शन है उस पर जो जो एटम इलेक्ट्रॉन भेजे यहाँ से, जिनका इलेक्ट्रॉन खींचा के यहाँ, उस पर प्लस। नतीजा क्या हुआ, लिफ्ट, दोनों लिफ्ट पर प्लस, नतीजा क्या हुआ, लिफ्ट डाइवर्ज करेगा। अब कंसेप्ट देखा जाए अगला चीज। तो पहला चीज हमने देखा कि लिफ्ट डाइवर्ज करेगा चाहे नेचर कुछ भी। अब देखिए इसको डिवाइस कैसे बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट कैसे बनाते हैं, फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट के पास, यदि एपरेटस के पास आते हैं, फिर यहां पर आते हैं। वही चीज हमने बताया, प्लग लगा दिया, सेम चीज को लिया, यानी रख दिया। हम जानते हैं जब कोई भी बाहरी चार्ज नहीं है इसके इर्द गिर्द, तो ये लिफ्ट क्या होगा, सिंपली नॉर्मल होगा। हम लोग अब क्या करते हैं, एक स्केल ले लेते हैं और इसका जीरो बीच में रख लेते हैं, ये वन टू वन टू ऐसे। ठीक, समझ में आया? अब हम क्या करते हैं कि इस लिफ्ट पर नॉन चार्ज दे देकर के, नॉन चार्ज दे देकर के एक स्केल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए इस लिफ्ट पर हमने हमने बाहर से एक माइक्रो कूलम चार्ज दिया, हमने इस पर क्या किया, एक माइक्रो कूलम चार्ज दिया, एक माइक्रो कूलम चार्ज दिया। तो हम एक माइक्रो कूलम का प्लस चार्ज दे दिया, ओके। तो ये प्लस चार्ज आएगा, आएगा ये प्लस चार्ज, बता ही नहीं, ये प्लस चार्ज टच करा दिया, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ना कि ये प्लस चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन को खींचने के चलते क्या होगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा। तो हमने क्या किया, टच करा दिया, प्लस एक माइक्रो कूलम का चार्ज ये आएगा है। आने के बाद हम देखें क्या, मान लेते हैं ये क्या किया, एक सेंटीमीटर से लिफ्ट क्या किया, अपने नॉर्मल पोजीशन से एक सेंटीमीटर से डाइवर्ज किया, डाइवर्ज किया, एक सेंटीमीटर से डाइवर्ज किया। ठीक, फिर हम एक और अतिरिक्त यानी दो माइक्रो कूलम का दिया, तो अब देखना है कि एक और सेंटीमीटर से यानी एक अतिरिक्त सेंटीमीटर से वो डाइवर्ज किया, यानी कि शुरुआत से दो सेंटीमीटर। क्या देख रहे हैं भाई, हम एक और प्लस माइक्रो कूलम दे रहे हैं, तो एक और सेंटीमीटर से ही क्या किया, डाइवर्ज किया, हम इतना ही रोक दिए। हमने क्या किया कि तीन माइक्रो कूलम का चार्ज देकर के प्लस, और इस लीफ को डाइवर्ज करके इस सिस्टम को लॉक करके रख दिया। ठीक, समझ में आ गए, हमने एक डिवाइस तैयार कर लिया, कैलिबर कर लिया, स्केल बना लिया कि ये स्केल क्या है, हर एक माइक्रो कूलम के लिए लीफ एक एक सेंटीमीटर से डाइवर्ज करेगा, पॉजिटिव के लिए, और नेगेटिव के लिए एक सेंटीमीटर से, यानी कि पॉजिटिव के लिए एक सेंटीमीटर से, या नेगेटिव देते हैं तो नेगेटिव के लिए एक सेंटीमीटर से डाइवर्ज करता है। जो भी चार्ज दे रहे हैं, मात्रा अगर एक माइक्रो कूलम का है, चाहे प्लस है चाहे माइनस, उस हर एक माइक्रो कूलम के लिए डाइवर्जेंस यहां क्या हो रहा है, एक सेंटीमीटर का। ठीक, अब हम आगे क्या कर रहे हैं कि अब एक ऐसे बॉडी को हम ला रहे हैं इसके पास, एक ऐसे बॉडी को ला रहे हैं जिस पर चार्ज है ये पता है, हम एक ऐसे चार्ज बॉडी को ला रहे हैं जिस पर क्या नेचर का चार्ज है, कितना मात्रा में चार्ज है, ये जानकारी हमें नहीं है कि क्या नेचर का चार्ज है और क्या मात्रा में चार्ज है,
हम कितना मात्रा में चार्ज है हमें पता नहीं है। ध्यान दीजिए, अब हम इस डिवाइस के माध्यम से ये पता करेंगे कि उस बॉडी पर जो आया बॉडी उस पर नेचर ऑफ चार्ज क्या है और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है। कैसे करेंगे अब देखा जाए ध्यान से। हम देख रहे हैं कि जैसे ही इसको हम टच कराते हैं, ये नेचर कुछ भी चार्ज है इस पर, हम जैसे ही टच कराते हैं देख रहे हैं क्या कि ये लीफ एक सेंटीमीटर से कन्वर्ज कर गया, एक सेंटीमीटर से कन्वर्ज कर गया, एक सेंटीमीटर से कन्वर्ज कर गया। ध्यान दीजिए, हम इस अननोन चार्ज वाला, अननोन चार्ज बॉडी में चार्ज अननोन है, बॉडी अननोन है, चार्ज अननोन है, ला करके इसको टच कराए, क्या देखे भाई? देखे कि ये लीफ जो है एक सेंटीमीटर से कन्वर्ज कर गया। इसका मतलब क्या हुआ? जब इस पर पहले से प्लस चार्ज दिया हुआ है, अगर और अतिरिक्त प्लस चार्ज आता तो हर हालत में पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ता और लीफ फर्दर डाइवर्ज करता। लेकिन हुआ क्या, लीफ कन्वर्ज किया इसको टच कराने से। इसका मतलब स्पष्ट है कि पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक पहले से घटा, तो घटने का मतलब क्या है कि कोई निगेटिव चार्ज आ रहा तब ने न्यूट्रलाइज किया कुछ मात्रा को। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से लीफ पर पॉजिटिव चार्ज रखे थे और बॉडी जो है जिस पर चार्ज अननोन है सताने से लीफ कन्वर्ज किया, तो लीफ का कन्वर्ज करना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि बॉडी पर जो चार्ज है लीफ वाला चार्ज से क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब उल्टा, उल्टा। तो यहां पॉजिटिव था, पॉजिटिव था लीफ पर, तो इसका मतलब है कि जो बॉडी टच कराए उस पर चार्ज का नेचर कैसा है, नेगेटिव नेचर का है। तो हमें लीफ के कन्वर्ज करने से इस बात का स्पष्ट प्रमाण हो गया कि लीफ के विपरीत चार्ज वाला बॉडी आके इससे संपर्क में आया। अगर मान लीजिए कि हम बॉडी को लाके टच कराते और लीफ डाइवर्ज कर जाता, ध्यान दीजिए लीफ पर पहले से पॉजिटिव चार्ज है पता है और बॉडी पर पता नहीं, उसको हम सटाए, सटाने से लीफ फर्दर डाइवर्ज कर गए। इसका मतलब है कि लीफ पर का चार्ज और उस बॉडी का चार्ज सेम है क्योंकि कंसंट्रेशन इसका बढ़ा दिया। ध्यान दिया जाए तो हम क्या आपको बताए थे कि इस डिवाइस से हमें क्या प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, क्या डिटरमाइन करना है? दो चीजें। पहला हमें पता करना है नेचर ऑफ चार्ज, दूसरा पता करना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो नेचर ऑफ चार्ज के विषय में हम समाधान ढूंढ लेंगे। क्या ढूंढे भाई? तो जब हम अननोन चार्ज वाला बॉडी को टच कराते हैं और लीफ कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है, तो सिंपली कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लीफ व्हेन इट इज ब्राउट, व्हेन इट इज कमिंग कंटैक्ट विद गुड लीफ इंडिकेट्स द नेचर ऑफ चार्ज। यानी कि जैसे ही हम इसको संपर्क में लाते हैं ऐसा बॉडी जिस पर चार्ज अननोन है गुड लीफ के और वो कन्वर्ज करता है डाइवर्ज करता है, नेचर कन्फर्म हो जाएगा कि उस पर भाई किस नेचर का चार्ज है। अगर लीफ पर पहले से पता है कि पॉजिटिव चार्ज है या लीफ पर पहले से पता है कि नेगेटिव चार्ज है, अगर लीफ पर पहले से पॉजिटिव चार्ज है लाके सटाए और बढ़ गया, इसका मतलब आने वाला बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, घट गया कंप्रेस सिकुड़ गया लीफ यानी आपका कन्वर्स कर गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाला बॉडी पर चार्ज अपोजिट में चल रहा है। तो द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द लीफ कंफर्म्स द नेचर ऑफ चार्ज। ओके, तो हमने सीखा इससे कि कैसे डिटरमाइन करेंगे कि लीफ पर जो लीफ पर नहीं बॉडी पर चार्ज का नेचर क्या है, तो लीफ के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। अब आप देखें कि भाई कितना मात्रा में चार्ज है ये कैसे पता करेंगे, अपनी का मात्रा को अमाउंट को। तो ध्यान दीजिए, मैं बताया कि जैसे ही लाया हमने सटा दिया इसको, सटाने के थोड़ा देर बाद देखते हैं कि एक सेंटीमीटर से ही कन्वर्ज कर गया और रुक गया वहीं पर। हमने क्या किया, देख लिया अब और नहीं कन्वर्ज कर, एक सेंटीमीटर कन्वर्ज करके रुक गया। इसका मतलब क्या हुआ,
कि हर एक एक सेंटीमीटर डाइवर्स कर रहा था एक माइक्रो कूलम्ब के चलते, तो ये हर एक सेंटीमीटर कन्वर्स भी करेगा एक माइक्रो कूलम्ब के चलते। नेचर पहले बता देंगे कि नेगेटिव है, इसका मतलब है कि द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, डिग्री मतलब मात्रा, कितना मात्रा में कन्वर्ज कर रहा है टच कराने से, कितना मात्रा में डाइवर्ज कर रहा है टच कराने से, यह इस बात का मेजरमेंट करता है कि चार्ज का मात्रा क्या है, चार्ज का मात्रा क्या है। बस समझ में आ गई? तो कह रहा है का कि भाई एक सेंटीमीटर से डाइवर्ज कर देता, इसका मतलब आने वाला बॉडी पर चार्ज का नेचर कैसा था, एक माइक्रो कूलम का पॉजिटिव चार्ज था, कन्वर्स कर गया इसका मतलब एक माइक्रो कूलम का नेगेटिव चार्ज। तो दो चीज हमने सीखा कि सिंपली कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस कंफर्म्स द नेचर ऑफ चार्ज पोजेस बाय द चार्ज बॉडी एंड द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ चार्ज पोजेस बाय द चार्ज बॉडी। अब समझ में आ गया कि भाई इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, और पहले से बना के रखा हुआ है हमारा भाई, पहले से ही पता है कि पर क्या चार्ज है, आने वाला बॉडी पर चार्ज का नेचर पता नहीं है, मात्रा पता नहीं है, यानी कि नेचर और मैग्नीट्यूड दोनों अननोन है, टच करा करके हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब मैं बताया था आपको कि इससे दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे, दो प्रकार के नहीं दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए। ये दोनों क्वेश्चन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोनों क्वेश्चन हैं, फिर इस एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं, नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट बदला जाएगा। ठीक, हमने क्या किया, फिर वही सर फ्लास्क ले लिया, कॉर्क लगा दिया, फिर वही लीफ ले लिया, फिर वही लीफ ले लिया, लेकिन हाँ अब इस लीफ पर चार्ज दिया हुआ है, चार्ज मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज इस पर दिया, ठीक पॉजिटिव चार्ज इस पर दिया, ठीक है। अब हम लोग केस ले रहे हैं कि इसके अंदर इवैक्यूएट कर दिए, इवैक्यूएट कर दिए यानी वैकम क्रिएट कर दिए, वैकम वैकम या कह सकते हैं फ्री स्पेस, यानी कोई मीडियम नहीं, निर्वात, निर्वात, ठीक। और आपका इसको दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज और इपीएस निर्वात, मतलब वैकम है, इवैक्यूएटेड है, हम सक्शन मैंने पंप से पंप लगा के, एयर पंप लगा के और सारे एयर को सक करके बाहर निकाल दिए। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या है, अब हम इस पर क्या करते हैं, एक्सरे से बमबार्ड करते हैं, ये ग्लास का आपका बीकर फ्लास्क है, ग्लास का, तो ग्लास क्या करेगा, आराम से एक्सरे को आने देगा, एक्सरे को आराम से इंटर करने देगा, आ गया एक्सरे, आकर के स्ट्राइक करेगा, किससे, लीफ से स्ट्राइक करेगा। प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहे हैं कि व्हेन गोल्ड लीफ इज, कहता है व्हेन गोल्ड लीफ इज बम्बार्डेड विथ X-ray, then what will happen to the leaf? That is, on the bombardment of X-ray, either gold leaf will diverge or converge. क्या होगा? क्या होगा? हम जब X-ray से bombard करते हैं, X-ray एक energetic photon है, इसका कोई mass नहीं है और कोई चार्ज नहीं, यानी ये क्या है, ऐसा पार्टिकल है, जैसे कि कहिए कि ये कैसा एनर्जेटिक रेडिएशन है जिसके पास कोई मास नहीं कोई चार्ज नहीं, और हम इस पर बम्बार्ड कराते हैं। तो बम्बार्ड कराने से मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि लिप पर क्या असर पड़ेगा, पहले से पॉजिटिव चार्ज है, लिप पर क्या असर पड़ेगा, लिप पर क्या असर पड़ेगा, मतलब डाइवर्ज करेगा या कन्वर्ज करेगा, क्या जवाब है आपका, सोच के बताएंगे क्या जवाब है, ध्यान दीजिए। ऐसे सामान्य सोच के हिसाब से आप कहेंगे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये सामान्य सोच है,
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही कहेगा कि सर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा रेडिएशन है जिसके पास ना तो चार्ज है ना तो मास है, ना तो चार्ज बढ़ा ना तो मास पर चेंज हुआ, लिफ्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जो थोड़ा बहुत लड़का आगे पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमने चर्चा किया है कहीं आपके पिछले वीडियोज में चर्चा किया कहीं ना कहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कम्प्टन इफेक्ट एंड रमन इफेक्ट कन्फर्म्स द पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट, कन्फर्म्स द पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट। तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो फ्रैंक हर्ट ने सबसे पहले संसार के सामने इसको लाया था इस घटना को। उन्होंने कहा कि व्हेनेवर ए मेटालिक सरफेस इज एक्सपोज्ड विद अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, व्हेनेवर ए मेटालिक सरफेस इज एक्सपोज्ड विद अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी दैट मेटालिक सरफेस गेट्स आयनाइज्ड, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स गेट्स इमिटेड सुटेबल फ्रीक्वेंसी। यानी अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी के फोटोन को हम किसी मेटालिक सरफेस पर स्ट्राइक कराते हैं क्या देखते हैं? वो मेटालिक सरफेस इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराता है, वो मेटालिक सरफेस इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराता है। कैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा भाई? आप तो जानते हो कि भाई वो मान लो कि कॉपर का सरफेस है, गोल्ड का सरफेस है, मान लो कि सीजियम का सरफेस, सीजियम का सबसे लोएस्ट वर्क फंक्शन होता है। तो जैसे ही फोटोन आया, फोटोन टकराया और इलेक्ट्रॉन को साथ इंटरैक्ट करके उसको कवर दिया। हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है पढ़ना हमको, लेकिन मैं इस घटना का केवल बताना चाह रहा हूं कि फोटोन जो है सारा काम वो करता है जिस प्रकार से कोई पार्टिकल करता है, ठोकर मार मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा, और यहां पर ठोकर मार के इलेक्ट्रॉन को कवर दिया। तो जस्ट बिहाफ लाइक पार्टिकल, ठोकर मारने की मोमेंटम ट्रांसफर करने की प्रॉपर्टी किसके पास? पार्टिकल के पास। उस घटना को ध्यान रखिए, किसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना को ध्यान रखिए। तो जैसे ही एक्सरे आकर एक्सरे का बीम ऑफ एक्सरे आएगा और बम्बार्ड करेगा गोल्ड लिप से, इसके बहुत सारे एटम्स जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है उस एटम्स के इलेक्ट्रॉन को कवर देगा, और जब एटम के इलेक्ट्रॉन कवरेंगे तो एटम्स क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज का बढ़ेगा, और जब कंसंट्रेशन पॉजिटिव चार्ज का बढ़ेगा तो लीफ क्या होगा? डाइवर्ज करेगा। लीफ क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। फिर देखिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं कि एक्सरे के बम्बार्डमेंट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना क्या है कि जब एटम से टकराएगा इलेक्ट्रॉन उसका इजेक्ट करेगा। तो हम बोले ना कि ये पॉजिटिवली चार्ज का मतलब ये ना समझिए कि लीफ जितना एटम से बना है सबका सब इलेक्ट्रॉन लूज पर, नहीं, कुछ एटम्स हैं जिसका ये क्या है इलेक्ट्रॉन लूज, बहुत सारे एटम्स हैं यहाँ, बहुत सारे एटम्स हैं इस पर जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, उन न्यूट्रल एटम पर टकरा करके उनके इलेक्ट्रॉन को कबाड़ के फेंक देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कबाड़ के फेंकाएंगे पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा लीफ क्या होगा? डाइवर्ज। क्या देखा कि जब हम इवैक्यूएट करके एक्सरे का बम्बार्डमेंट कराते हैं लीफ पर पहले से पॉजिटिव चार्ज है तो लीफ क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। तो आपने क्या देखा? हाँ, ये पहले देख लिया। फिर अगर देखिए दूसरा चीज, अगर हमारा दूसरा इसी एक्सपेरिमेंट का दूसरा पार्ट, अगर हमारा क्या है लीफ पर पहले से निगेटिव चार्ज था, लीफ पर पहले से निगेटिव चार्ज था, पर पहले से निगेटिव चार्ज, अब हम एक्सरे को बम्बार्ड कराते हैं तो एक्सरे के बम्बार्ड कराने से क्या होगा? जैसा कि मैं बताया इलेक्ट्रॉन का बढ़ता है, और यहां पर निगेटिवली चार्ज का मतलब कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही टकराएगा इस इलेक्ट्रॉन को कबाड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को कबाड़ेगा तो निगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन क्या होगा? घट जाएगा, तो लीफ क्या करेगा? कन्वर्स करेगा। तो कह रहा है कि यहां कन्वर्स करेगा, पॉजिटिव बोला मैं डाइवर्स करेगा। तो आपने कंक्लूजन क्या निकाला कि व्हेन एक्सरे, पहला केस, इफ लीफ इज पॉजिटिवली चार्ज एंड
एक्सरे आर बम्बार्डमेंट ऑन द लीफ लीफ देन द फेनोमेना ऑफ देन द फेनोमेना ऑफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस दैट इज इलेक्ट्रॉन्स गेट्स इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स गेट इजेक्टेड Electron gets ejected, which increases as a result, concentration of positive charge. Will increase, which increase, which increase the divergence of the wave of the leaf, which increase the divergence, that is leaf will diverge. Case two, if leaf is negatively charged, and repeat the same experiment. Due to ejection of electron. Electrons, concentration of negative charge decreases, which converges the leaf, which converges the leaf. आप समझ में आ गए कि जब नेगेटिवली चार्ज होगा सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के चलते नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन घटेगा नतीजा लीफ क्या करेगा कन्वर्ज करेगा बस समझ में आ गए तो एक क्वेश्चन हमने देखा कि जब हम इवैक्यूएट कर दिए और एक्सरे का बम्बार्ड करते हैं तो क्या होगा अब हम क्या करते हैं नहीं इवैक्यूएट नहीं करेंगे एयर इसमें डाल देते हैं और एयर डाल करके तब एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं एयर डाल करके एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं अब देखिए इस चीज को अब हम इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं लेकिन अब इसमें क्या होगा एयर रहेगा पहले से मान लो ये पॉजिटिव है और इसमें क्या है एयर ध्यान देगा अब इसमें एयर है क्या होगा अब एयर है तो पहले एक्सरे किससे मिलेगा एयर पार्टिकल से मिलेगा पहले आकर स्ट्राइक करेगा पहले कोलाइड करेगा किससे एयर मॉलिक्यूल से और एयर मॉलिक्यूल को आयनाइज करेगा जब एयर मॉलिक्यूल आयनाइज होगा न्यूट्रल चीज आयनाइज करेगा दो प्रकार के मिलेंगे इसके चार्ज एक पॉजिटिव और एक निगेटिव तो ध्यान दीजिए जैसे ही एयर से टकराएगा तो यह आयनाइज हो जाएगा एयर अब इसमें दो तरह के चार्ज मिलेंगे पॉजिटिव मिलेंगे और देखिए लीफ पर पहले से पॉजिटिव है तो यहां पर क्या होगा पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीज यहां पर टकराने से पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीज आप ध्यान दो तो ये प्लस जो लीफ पर जो पॉजिटिव चार्ज है कभी पॉजिटिव को खींचेगा नहीं खींचेगा किसको खींचेगा निगेटिव को तो जैसे ही निगेटिव चीज इस पर आएगा तो ये क्या होगा न्यूट्रलाइज होगा
न्यूट्रलाइज होगा तो पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन घटेगा, लीफ क्या करेगा कन्वर्ज करेगा। क्या बोला मैं फिर से सुन लो कि जब हम हवा डाल देंगे, हवा रखेंगे डिवाइस के अंदर, फ्लास्क के अंदर, तब एक्सरे का बम्बार्ड करेंगे। एक्सरे पहले किससे मिलेगा? एयर से। एयर क्या था? न्यूट्रल था। इसको आयनाइज करेगा, जैसे ही आयनाइज करेगा दो तरह के चार्ज पैदा होंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। और लीफ पर पहले से पॉजिटिव चार्ज था तो पूरे पॉजिटिव कभी पॉजिटिव को खींचेगा अपना कंसंट्रेशन नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो जरा पॉजिटिव पॉजिटिव को धकेल दिया और नेगेटिव को खींचा, पॉजिटिव पॉजिटिव को धकेल दिया नेगेटिव को खींचा, तो नेगेटिव पे खींचने से क्या हुआ? कि नेगेटिव पे खींचने से क्या हुआ कि ये पॉजिटिव का कंसंट्रेशन क्या हुआ? घट, न्यूट्रलाइज हो गया, तो घटा, तो लीफ क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। समझ आ गए? लीफ क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। फिर से देखा जाए, इसी घटना को रिपीट करते हैं। अब इस पर क्या है? माइनस साइन, पहले से माइनस चार्ज था लीफ पर, माइनस चार्ज था लीफ पर, और फिर इसी एयर में हम एयर हेड डाला हुआ, फिर इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं। एक्सरे को डाल, फिर एक्सरे किससे मिलेगा? पहले हवा से, हवा को एयर में आयनाइज करेगा। आयन इसमें दो प्रकार के चार्ज होंगे, प्लस और माइनस, तो माइनस को माइनस को खींचेगा तो भी नहीं खींचेगा, माइनस से सुख है प्लस को, जैसे ही प्लस को खींचेगा ये क्या होगा? न्यूट्रलाइज होगा, यानी कि लीफ क्या होगा? कन्वर्ज करेगा। तो यहां क्या देखिए कि इफ देयर इज अ मीडियम, इफ देयर इज एन एयर इनसाइड द फ्लास्क एंड व्हेन एक्सरे इज बॉम्बार्डेड, then whatever be the nature of charge on the leaf, leaf will always converge. Whatever be the nature of charge on the leaf, leaf will always converge. ठीक, तो निष्कर्ष आपका क्या निकला इस केस में? निष्कर्ष निकला if there is an एयर इन साइड द फ्लास्क एंड एक्सरेज आर बॉम्बार्डेड, देन व्हाट एवर बी द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन द लीफ it will always converge. It will always converge. ये हमेशा क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। बात समझ आ गई? क्या समझ में? तो समझ में यही आई, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट थे कि भाई जब हम क्या करेंगे, इवैक्यूएट कर देंगे फ्लास्क को और हम एक्सरे से बॉम्बार्डमेंट कराएंगे, तो पहले से अगर प्लस चार्ज है तो लीफ कन्वर्ज करेगा। पहले से प्लस चार्ज है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के चलते न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो लीफ क्या करेगा? डाइवर्स करेगा। अगर पहले से लीफ पर निगेटिव चार्ज है, इवैक्यूएटेड है और हम एक्सरे को बम्बार्ड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से इजेक्शन के चलते कंसंट्रेशन कम होगा निगेटिव चार्ज का, नतीजा लीफ क्या होगा? कन्वर्स करेगा। और इस केस में जब हम मीडियम डाल देंगे तो जैसे ही एक्सरे बम्बार्ड करेंगे, पहले मीडियम से मिलेगा, एयर से मिलेगा, और वहां पर एक आयन का क्लाउड बनाएगा जिसमें प्लस और माइनस दोनों चार्ज होंगे, और उस केस में जो लीफ पर चार्ज रहेगा उसका अपोजिट वाला चार्ज खींचा करके लीफ के पास आएगा, नतीजा लीफ हमेशा क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। तो हम उम्मीद करते होंगे कि आप गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को बढ़िया से समझ गए हों और इससे आने वाले छोटे छोटे क्वेश्चन का भी जवाब आपने समझ गया होगा। कि जितने भी छोटे छोटे टिप्स थे, जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स थे, सबको मैंने डिस्कस किए, जैसे मैंने शुरू में बताया। हाँ, एक चीज और बताना कि गोल्ड लीफ क्यों? तो गोल्ड लीफ क्यों भाई? तो गोल्ड लीफ क्या है? गोल्ड हाईली मलेबल और डक्टाइल। हम कह रहे हैं
कि हाईली मैलेबल और डक्टाइल का मतलब ये फ्लेक्सिबल है, एक्सट्रीमली थिन पत्थर तैयार करेंगे। अब देखिए ध्यान से एफिशिएंसी पर कैसे, गोल्ड का सबसे ज्यादा एफिशिएंसी क्यों, काहे गोल्ड लिए? तो अगर मान लीजिए कि यदि फ्लेक्सिबल होगा, यदि फ्लेक्सिबल होगा तो हल्का भी चार्ज देंगे तो डाइवर्जेंस ज्यादा होगा, हल्का सा भी चार्ज देंगे तो डाइवर्जेंस ज्यादा होगा। तो ज्यादा जब छोटे छोटे चार्ज के लिए डाइवर्जेंस ज्यादा होगा तो मेजरमेंट आसान होगा। जैसे ऐसा समझिए कि एक माइक्रो कूलम्ब चार्ज के लिए ये 2 सेंटीमीटर डाइवर्ज कर रहा है, तो स्वाभाविक है इस पर हाफ माइक्रो कूलम्ब भी खुली आंख से 1 सेंटीमीटर डाइवर्ज के चलते मेजर कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक माइक्रो कूलम्ब के लिए अगर 0.1 सेंटीमीटर ही डाइवर्ज, तो पता नहीं चलेगा डाइवर्ज कर भी जाएगा नहीं। इसलिए हम लोग गोल्ड लिख लेते हैं कि गोल्ड हाईली मैलेबल डक्टाइल यानी एक्सट्रीमली थिन पत्थर तैयार हो सकता है। तो हल्का सा भी चार्ज देंगे, छोटे छोटे अमाउंट पर चार्ज पर भी बड़ा बड़ा डाइवर्जेंस देगा, और बड़ा बड़ा डाइवर्जेंस देगा तो काफी सेंसिटिव होगा इंस्ट्रूमेंट, आसानी से छोटे छोटे चार्ज की मात्रा को भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो आपको जैसे हमने बताया था कि गोल्ड ही क्यों, तो गोल्ड इसलिए हाईली मैलेबल और डक्टाइल है, इसका एक्सट्रीमली थिन पत्थर तैयार कर सकते हैं, काफी मुलायम है, नतीजा डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस इसका क्या होगा, बर्थ फेयरली लार्ज होगा इसके तुलना में कॉपर के, सिल्वर और दूसरे सिल्वर के, आयरन के, एल्युमिनियम के। इसीलिए इसको लिया गया कि इंस्ट्रूमेंट काफी एक्यूरेट, हमारा एक्यूरेसी ज्यादा हो, इसके लिए हमने क्या किया, गोल्ड लिया। थैंक यू।